किसी की तरफ नहीं देखा। अगर गीत अच्छा लगे, बात उस वक्त की है, भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए हैं और देखिएगा लाइन, लोग कैसे जी रहे हैं आज के इस वातावरण में, लोग कैसे जी रहे हैं आज के इस वातावरण में, दिन कटता सोच में, रात कटती जागरण में, बेहया आंख हो तो व्यर्थ घूंघट क्या करे, आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में। बहुत सुंदर, इसलिए कहना है हर जगह एक सा वातावरण नहीं होता, हर जगह एक सा, हर जगह एक सा वातावरण नहीं होता, लाज रहती कहाँ, लाज रहती कहाँ जो आवरण नहीं होता, जो आवरण नहीं होता, आवरण नहीं होता। और सुनिएगा, गलना खुशियों की नहीं होती, गर गम नहीं होता, ये अति सुंदर, क्योंकि दुख से ही सुख की पहचान है। गलना खुशियों गम नहीं होता, जानने के लिए किसी व्यक्ति को अगर जानना है, जानने के लिए जो आचरण नहीं होता, जानने के लिए I'm gonna make you mine।
बरसात की हालत फसल बता देती है वो आदमी कितना संस्कारी है, ये उसकी नस्ल बता देती है। और बढ़िया। अरे जानने के लिए जो आचरण नहीं होता, धकती रहती मेरे चिंतन। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अरे मेरे चिंतन में जो चिंता, मेरे चिंतन में जो चिंता हरण नहीं होता, वरदान दे दिया था कि जब तक तुम चाहो तब तक जियोगे। मारता कौन मुझे, लेकिन जब तक मैं चाहूंगा नहीं तब तक प्राण नहीं निकलेंगे। और क्या इच्छा वरदान। मारता कौन मुझे जो मैं नहीं मरता, अरे मेरे सामने जो ये राधा रमण नहीं होता, नहीं गए। और जब कृष्ण गए तो उन्होंने बताया आदि और अंत समाया जिसमें उसको जानो, उसको जानो जिसमें आदि और अंत समाया है। मैं उसको जानो अंत तक साफ, अरे अंत तक साफ ये अंताकरण नहीं होता, अंत तक साफ ये अंताकरण नहीं होता, अंत तक साफ ये अंताकरण नहीं होता। लाज रहती कहां जो आवरण नहीं होता। अगर गीत
अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो केवल आप लोगों की तालियों से आशीर्वाद चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाहता हूँ। उसके बाद अपनी तरफ से एक गीत सुनिएगा। गजल है, कभी खुशी खुशी तरफ नहीं देखा, सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। आज भूमि जाज का भवरा चमन कहा। अजब मिजाज का भवरा चमन में आया है, नजर उठा के कली की तरफ नहीं खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी। ये वो गजल है, जब मैं गुरुजी के साथ जाती थी, छोटी थी बहुत, तो इस गजल को मैंने दादा के मुंह से सुना है। वो टाइम, वो मंच, सब जहन में घूम जाते हैं जब इस तरह की कोई बात होती है। और दादा के ही ग्रुप के एक साथी श्री शुक्ला अंकल, जिनके सामने हम छोटे से बड़े हुए, गाना सीखा, मंच पर बैठकर कोरस करा के कुछ लिखते लिखते, वो आज यहाँ पर हैं, मंच पर बैठे हैं, मैं उन्हें प्रणाम कर रही हूँ। राजेश भाई साहब स्वागत है, प्रणाम है। श्री पवन वाजपेयी जी, जो कि बहुत ही अच्छे आयोजक हैं और अपने गांव में सुमेरपुर में प्रति वर्ष बहुत कार्यक्रम कराते रहते हैं, उनका स्वागत है। और उनके साथ उनके जितने भी मित्र आए, मिस्टर त्रिपाठी जी स्वागत है। श्री जगदीश अंकल, श्री संतोष जी, जो कि कीर्तन के बहुत ही बड़े समर्थक हैं, श्री संतोष तिवारी जी, जगदीश जी, मैं सभी का स्वागत कर रही हूं। और कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है, और श्री संतोष तिवारी जी और श्री जगदीश वर्मा जी की तरफ से 101 रुपयों का पुरस्कार आया है, मैं धन्यवाद दे रही हूँ। आप लोग सदा स्वस्थ रहें। अब छोटा सा जवाब आपके लिए, जवाब ऐसा है कि उसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रसंग यानी कहानी कुछ इस तरह है, दुर्योधन के प्राण छूटने वाले हैं, कन्हैयालाल उनके पास पहुंचते हैं और उससे कुछ बातें कहते हैं।
बस वही बातें जवाब के रूप में आपको सुना रही हूं। इतना बड़ा महाभारत नहीं होता अगर दुर्योधन तुम्हारे मन में दुराचरण नहीं होता। भरी सभा में द्रौपदी का सम्मान छीनने का अगर प्रयास न किया होता तो तुम्हारा नाश न होता। तेरे मन में अगर चरण नहीं होता तेरे मन में अगर दुरा चरण नहीं होता, अगर मन में दुराचरण नहीं होता तो क्या नहीं होता? द्रौपदी का कभी, और लाइन अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी, द्रौपदी का कभी चीर हरण नहीं हो बात है। केस चैनल के ऑनर मालिक श्री संजय जी, आपकी तरफ से 101 रुपयों का पुरस्कार इस बात पर कि तेरे मन में अगर दुराचरण नहीं होता तो कभी द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता। और मैं बिटिया कशिश के लिए, जो कि सारे प्रोग्राम को एडिट करके सजा सवार के यूट्यूब में डालती है, उसके लिए ढेरों आशीर्वाद दे रही हूँ। वो सदा स्वस्थ रहे और आप यूं ही मस्त रहें और व्यस्त रहें और हम लोगों के प्रोग्राम को कवर करके यूट्यूब में डालते रहें। धन्यवाद है, सुनिएगा। दूसरी बात कही कन्हैया लाल ने, पांडवों का हमारे भाई पवन वाजपेयी जी सुमेरपुर शुक्लागंज, आपकी तरफ से परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। और ऐसे पवन वेग से इधर उधर नजर आते रहे। सुनिएगा, पांडवों का अगर मैं साथ सुनो ना दे, पांडवों का अगर मैं साथ सुनो ना देता तो जो पांडवों कौरवों की दुश्मनी थी उसका दुश्मनी का कभी निराकरण नहीं होता। क्योंकि ऐसे ये दुश्मनी सॉल्व होने वाली थी नहीं और फ्रेंडशिप होती नहीं, तो जिसको ऊपर जाना है, जो अन्यायी है वो ऊपर जाए और जो धर्म पर चलने वाला है वो नीचे रहे, यही मैंने चाहा।
दो पंक्तियां और सुनेगा। तूने जीवन में बैठिए। तूने जीवन में बस पाप ही कमाया है। सुन दुर्योधन, तेरे प्राण छूटने वाले हैं लेकिन मैं तुझसे कह रहा हूं, कन्हैयालाल ने कहा, तूने जीवन में बस पाप ही शरण नहीं शामिल होना पड़ा। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मुझे वो वादा भी तोड़ना पड़ा। अंतिम पंक्तियां कहां कन्हैयालाल ने, लाखों योद्धा भगवान की जय।